2024 के मेडिसिन या चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार अमेरिका के विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को दिया गया है। उनको ये पुरस्कार माइक्रो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज के लिए दिया गया है। दोनों जीन वैज्ञानिकों ने 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज की थी। माइक्रो आरएनए से पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती और काम करती हैं। इंसान का जीन डीएनए और आरएनए से बना होता है। माइक्रो आरएनए मूल आरएनए का हिस्सा होता है। ये पिछले 50 करोड़ सालों से बहुकोशिकीय जीवों के जीनोम में विकसित हुआ है। अब तक इंसानों में अलग अलग तरह के माइक्रो आरएनए के 1000 से ज़्यादा जीनों की खोज की जा चुकी है। इंसान के शरीर में माइक्रो आरएनए के बिना सेल और टिश्यू डेवलप नहीं हो सकते हैं। माइक्रो आरएनए में असाधारण परिवर्तन के कारण कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हो रही हैं। माइक्रो आरएनए की जीन कोडिंग में म्यूटेशन होने के कारण इंसान के शरीर में सुनने की क्षमता, आँखों और शरीर की बनावट में समस्या आती है। नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी ने कहा कि इनकी दी गई एमआरएनए टेक्नोलॉजी से बनी कोरोना वैक्सीन के द्वारा पूरी दुनिया कोविड-19 कोरोना महामारी से निकल पाई। कोरोना के समय पहली बार ऐसा हुआ था कि जब एमआरएनए टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वैक्सीन बनी थी। इसे फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना ने बनाया था। पिछले वर्ष 2023 में मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैटिन कारिको और ड्रू वीशमैन को दिया गया था।